हम मूव करते हैं पेज नंबर 9 की तरफ. पेज नंबर 9 एक्सरसाइज सी जो कि लैंग्वेज फोकस के ऊपर है. लैंग्वेज फोकस का मतलब ये कि आप बच्चों की स्पेलिंग्स को करेक्ट करेंगे, उनकी स्पेलिंग पावर बेहतर करेंगे. और यहाँ पे हम फोकस करेंगे बच्चे के ऊपर वन सिलेबल वर्ड. और हमारी इंस्ट्रक्शंस कहती हैं फाइंड आउट द मिसिंग लेटर्स फ्रॉम द गिवन वन सिलेबल वर्ड्स. द वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम. अब आपने यहाँ पे बच्चे को एक्सप्लेन करना है कि वन सिलेबल वर्ड जो कि रीड मी के अंदर लिखा हुआ है मोनो सिलेबल, उसे कहते किसे हैं. अब मोनो सिलेबल या वन सिलेबल वर्ड वो होता है जिसमें एक वाउल साउंड आता हो, यानी ए, ई, ओ, उ की जो आवाज़ें आती हैं वो एक आवाज़ आती है एक वर्ड के अंदर, उसे हम मोनो सिलेबल कहते हैं. मिसाल के तौर पे सन, स, अन, स, अ, न, अन, ठीक है, एक साउंड आ रही है वाउल की. हम अगर बात करते हैं फ, एक्ट, फैट की, तो उसमें एक वाउल साउंड आ रही है. तो ये वर्ड्स होते हैं मोनोटोन, मोनोसिलेबल्स, जिसे एक सिलेबल वन सिलेबल वर्ड कहते हैं. इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपके पास जो तीन वर्ड्स दिए हुए हैं इस पेज के ऊपर वो आप बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे और वो आप इनको फिल इन द ब्लैंक्स में करा देंगे. मिसाल के तौर पे पहला वाला है एस डैश एन, तो ये एस यू एन भी बन सकता है और एस ओ एन भी बन सकता है, और वो है सन. इसी तरह अगला जो है वो फैट, फैन, फैप, ठीक है, ये सारे वर्ड्स बन सकते हैं जिस तरह कि इसमें लेकिन वन वाउल साउंड आएगा उसके अंदर. इसी तरह आखिरी वाला जो है वो हमें पता है वो क्या है, वो है लाइट. और अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो यहाँ पे आपको एक हिंट मिल रहा है कि ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये पोइम से लिए हुए वर्ड्स हैं. तो आप बच्चों को वापस पोइम खुलवा के उनको कह सकते हैं कि इन वाले वर्ड्स को तलाश करें और यहाँ पे फिल इन कर दें. फिर हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ और ये है ग्रामर एक्टिविटी. और ग्रामर में हम करा रहे हैं नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन्स. आप बच्चों को बताएंगे कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम नाउन्स कहते हैं. और इसको कराने से पहले आप बच्चों के साथ एक एक्टिविटी कराएं और वो एक्टिविटी है आई स्पाई. आप बच्चों को पहले आप बच्चों को बताएंगे कि चलिए जी अब हम मुझे ये बताएं कि इस क्लास के अंदर से कौन सी चीज़ें शुरू होती हैं. बच्चा बताएगा फैन है, फ्लोर है, फ्रॉक है, ब से कौन सी शुरू होती है, बैग है, बुक है. चलो अब मुझे बताओ इस क्लास में आपको और कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं. तो बच्चा आपको एक एक चीज़ का नाम बताएगा. फिर आप बच्चे को बताएंगे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब नाउन्स कहलवाती हैं. फिर आप नाउन्स को डिफ़ाइन कर दें. डिफ़ाइन करने के बाद आप इसी पेज नंबर 9 पर आएँ और जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको पहले पिक्चर्स को एक्सप्लेन करें. बच्चों से बताएं पहली पिक्चर किसकी है, दूसरी किसकी है, तीसरी किस चीज़ की है, और फिर उसके बाद जो सामने दिए हुए वर्ड्स हैं उनको आप पढ़ती जाएं और बच्चा मैच करता जाएगा. यही पेज नंबर 9 पे मौजूद एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि कहती है राइट एनी 3 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग नेमिंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन देम. अब बच्चों को आपने कहना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर 3 जुमले बनाएं किसी भी नाउन को इस्तेमाल करते हुए और फिर उन नाउन्स को उन्होंने अंडरलाइन करना है. ठीक, अब हम आखिर मूव करते हैं अपने लास्ट पेज, पेज नंबर 10 की तरफ. और पेज नंबर 10 कहता है रीड द गिवन नेमिंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द रेलेवेंट कॉलम्स. यहाँ पे वर्ड बैंक दिए हुए हैं, उन वर्ड बैंक्स को बच्चों ने आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सन का नेम है, प्लेस है, थिंग है या एनिमल है, और फिर उन्होंने उसके हिसाब से उसको प्लेस कर देना है. एक्सरसाइज नंबर डी राइटिंग स्किल्स की बात करती है. ट्रेस एंड रीराइट वन सिलेबल वर्ड्स. यहाँ पे आप दोबारा से बच्चों के साथ वन सिलेबल वर्ड्स की दोहराई कराएंगे कि होते क्या हैं. दो चार मिसालें दें. मिसालें देने के बाद उनको यहाँ पे पहले ट्रेसिंग कराएं और ट्रेसिंग कराने के बाद उनसे दोबारा से वर्ड्स लिखवाएं. वो वर्ड्स हैं मून, सन, बैक, वाइड एंड बोल्ड. एक्टिविटी नंबर ई और इस यूनिट की आखिरी एक्टिविटी है और वो कहती है लेट्स रिवाइज द पार्ट्स ऑफ द बॉडी
लुक एट योर सेल्फ एंड आइडेंटिफाई योर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि इस पे दी हुई एक बच्चे की तस्वीर है जिसमें उसके सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी आइडेंटिफाई किए हैं। यहाँ पे आप जैसे जैसे आइडेंटिफाई करवाते जाएंगे उसी तरह बच्चों से भी कहलवाते जाएंगे कि वो अपने पार्ट ऑफ बॉडी को पॉइंट करके बताते जाएं कि उनकी पार्ट ऑफ द बॉडी कहाँ पर है। कीप वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।